प्लस टू डी क्लास विद दल प्रणाली का आज हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह। राष्ट्रीय राजनीतिक दल बच्चे सात हैं। सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है बेटे कमल का फूल। तीसरा राष्ट्रीय दल है भारतीय साम्यवादी दल जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसका चुनाव चिन्ह है बच्चे दात्री और गेहूं की बल्ली। ठीक है, चौथा चुनाव चिन्ह है जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, भारतीय साम्यवादी दल भी कहते हैं, मार्क्सवादी। ये मार्क्सवादी है, वो सिंपल कम्युनिस्ट पार्टी है। जो मार्क्सवादी है बेटे उसका चुनाव चिन्ह डिफरेंट है। दात्री तो उसमें भी है इसमें भी, लेकिन वहाँ पे गेहूँ की बल्ली है। इसमें दो और चीज़ें हैं, एक हथौड़ा है और एक है तारा। ये तीनों चुनाव चिन्ह मिलकर इसका बनता है चुनाव चिन्ह। क्या बनता है? कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन कौन सा? दात्री, हथौड़ा और तारा, तीनों की इकट्ठी फोटो इसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है पांचवा बहुजन समाज पार्टी जिसे बसपा भी कहते हैं, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और नेक्स्ट है सिक्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। और लास्ट जो अभी थोड़ी देर पहले ही बनी है ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी का नाम अकेला तृणमूल कांग्रेस भी लिख सकते हैं हम बच्चे। और इसमें घास बना हुआ है और उसमें दो फूल बने हुए हैं, घास में दो फूल हैं, वो इसका चुनाव चिन्ह है।